लगता है दादी जी सो रही हैं। यही अच्छा मौका है इनको खुश करने का। अरे कौन आ गया? बहू तू? हाँ दादी जी मैं। ये क्या कर रही है? आपके पैर दबा रही हूँ, इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे। अरे बहू इसकी कोई जरूरत नहीं है, रहने दे। अब आपका ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? आपकी पोती तो इतनी नालायक है, अपना ध्यान नहीं रखती। ये बात तो बहू तू ठीक कह रही है। सुन कुछ फल वल हैं? हाँ हाँ बहुत कुछ है, बताओ क्या खाओगे आप? जरा काट ला थोड़े से। मैं भी लाती हूँ। लग रहा बहू को देख के सीख रही है तू। अपने ससुराल और मायके में तू सीख नहीं पाई। अच्छा है चल यहीं सीख जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दादी मैं पहले भी पहनती थी ये सब, आपको पता है। मैंने तो नहीं देखा तुझे आज तक। दादी बच्चे सब पे ध्यान दिया करो ना, आप तो मेरी हर बुराई पे ध्यान देते हो। ओहो तो तू मुझे बताएगी, बचपन से देखा है मैंने तुझे, मुझसे बहस मत कर ठीक है दादी। और सुन मेरे ना वो कुछ कागजात आने वाले हैं, उन्हें देख लियो ठीक है, और चुपचाप मुझे देने आ जाइयो, कभी खुद टटोलने लग जाए मैं ठीक है। ठीक है। क्या मैं क्या कोई चौकीदार हूँ जो वहां पे खड़ी रहकर देखती रहूं? अरे क्या समझ रही हूँ। ये लो दादी आ गए आपके कागजात। तूने खोल के तो नहीं देखा ये? नहीं ना दादी, सील तो है पूरा। लाओ खोल दूं? ना जा पहले अपनी बाद को बुला के लेके आ। उनका क्या काम है इसमें? अरे जितना का अपना सुन, जा बुला के लेके आ। हाँ दादी जी आपने मुझे बुलाया। अरे ये क्या है? ये मेरा एटीएम है, इसको संभाल के रख देना जैसे अपनी सारी चीजें संभाल के रखते है ना उस तरीके से। ठीक है ठीक है ठीक है, जितना आप बोलोगे उतना ही खर्च होगा उस हिस्से से, टेंशन मत लो। अरे खर्च होगा मतलब? छूना भी मत इसे। मतलब ये एटीएम ही है ना? हाँ। तो इसका ये ऐसे थोड़ी रखा जाएगा, कुछ तो इस्तेमाल करूंगी ना। अरे इसको छूना भी मत बोला ना मैंने, चुपचाप रख देना इसे। ठीक है मैं रख देती हूँ। ये दोनों क्या समझते हैं? दोनों को दूंगी मैं ये पैसे और ये जमीन जायदाद, अपनी बेटी को दूंगी। अरे भाभी मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और ये क्या ले रखा पेपर आपने? अरे ये दादी जी के ना काफी सारे पैसे आए हैं और वही एटीएम है, ये बोला है कि संभाल के रख दे, कहीं भी इधर उधर मत करियो पैसे। मुझे तो लगा मुझे अच्छा समझती है तो सारे कागजात मुझे ही देंगी। अरे भाभी सुनो इधर बैठो। क्या हुआ? अरे बैठो बताती हूँ कुछ। क्या हुआ आप इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? आपको क्या लगता है दादी आपको अच्छा समझती है? हाँ अच्छा तो मुझे समझती है। वो आपको अच्छा नहीं समझती, वो मुझे बुरा समझती है। आप उनको बस 4 साल से जानते हो, मैं उनको बचपन से जानती हूँ। वो आपको प्यार प्यार में काम करवा रही है सारा अपना। क्या? और नहीं तो क्या। आप क्या सोच रहे हो सारी प्रॉपर्टी क्या आपके नाम कर देंगी? बिल्कुल भी नहीं, दादी है वो सबकी दादी, समझी? वही तो मैं बोलूं, अगर इतना ही प्यार करती तो कुछ पैसे तो देती, लेकिन कपड़े भी मेरे लिए लेकर आई थी, आपके लिए तो एक भी चीज नहीं लेकर आई थी। वो सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए कि ये बुरा माने, और आपको खुश कर दिया ताकि आप उनका सारा काम करो। कर रही हो ना आप काम? काम तो मुझे ही सारा करना पड़ रहा है, और भी एक्स्ट्रा हो गया, पहले आपका फिर दादी का। मेरा क्यों? आप मेरा काम भी इंक्लूड करोगे अब? काम क्या है, काम तो काम है, सभी का होगा। भाभी पर मुझे आप पे बहुत तरस आ रहा है। कोई नहीं संभाल लो संभाल लो, इनको लग रहा है इनको मिलेंगे पैसे। जाओ जाओ रखो। हेलो मम्मी, दादी ने भाभी को भी चकमा दे दिया। भाभी को लग रहा था वो उनसे बहुत प्यार करती है। अरे हंस हंस के मेरा पेट दर्द हो चुका है, प्यार प्यार में सारा काम करवा के एटीएम पकड़ा दिया, जाके रख दे लॉकर में। अब इनको क्या पता दादी कितनी कंजूस है, 2-3 सूट ला के दे दिए पुराने पुराने से और ये खुश हो गई थी उस दिन। बस यही है, और खबर देती रहूंगी। हाँ चलो ठीक है। आई बड़ी बात, दादी अच्छी है या फिर बुरी इसका पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। ये सच बोल रही है या दादी झूठ बोल रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर अभी एटीएम कार्ड तो ऐसे ही फेंक देती हूँ, मैं क्यों संभाल के रखूँ जब एक पैसा मुझे नहीं देंगी तो। मैं भी इनकी बहू हूँ, देखो क्या करती हूँ इनके साथ।